डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश पोएट्री की थर्ड पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर, कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। एजुकेशन मींस शिक्षा, ऑफ नेचर प्रकृति मींस प्रकृति की शिक्षा। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एक रोमांटिक पोएट थे, 1770 में इनका जन्म हुआ था, 1850 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो पहले डिस्कस करते हैं थोड़ा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि 1770 में इनका जन्म हुआ था, 1850 में इनकी मृत्यु हुई थी, और इन्हें कहते क्या हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ या वर्ड्सवर्थ वाज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर। इन्हें पोएट ऑफ नेचर कहते थे क्योंकि मोस्टली हिज पोएम्स वर कंपोज्ड अबाउट नेचर। मतलब बहुत सारी कविताएं जो इनकी थी वो नेचर के बारे में ही थी। और सेकेंड क्या है, ही इज कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट, और उन्हें लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट भी कहते थे। और तीसरा है, ही इज आल्सो कॉल्ड द हाई प्राइस्ट ऑफ नेचर, उन्हें प्रकृति का पुजारी भी कहते थे। अब ये जो पोएम है एजुकेशन ऑफ नेचर, इसका एक टाइटल और है, थ्री इयर्स सीगरु। मीन्स पोएम का नाम ये भी है एजुकेशन ऑफ नेचर, और जो इसकी फर्स्ट लाइन है उसके स्टार्टिंग में ही फोर वर्ड्स हैं, थ्री इयर्स सीगरु, ये भी इसका टाइटल है। बट फर्स्ट ईयर में यही शो किया गया है एजुकेशन ऑफ नेचर। तो इसे देखते हैं, एजुकेशन ऑफ नेचर इज अ लिरिकल इलेजी। ये एक लिरिकल इलेजी है, लिरिकल एक गीत होता है, और इलेजी ये एक लिरिकल इलेजी शोक गीत है ऑन द अनटाइमली डेथ ऑफ लूसी। लूसी की अनटाइमली मतलब समय से पहले मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में लिखा है। और ये पोएम लूसी के बारे में है, और लूसी के बारे में उन्होंने फाइव पोएम्स कंपोज की थी, उनमें से एक ये है। विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज दिस पोएम इन 1799। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को 1799 में कंपोज किया था। इट वाज पब्लिश्ड इन 1800 मींस 1800 में इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। मतलब लिरिकल बैलेट्स का जो सेकेंड एडिशन आया था उसमें ये 1800 में कंपोज की गई थी। अब ये लिरिकल बैलेट्स होता क्या है इसे देखा जाए। लिरिकल बैलेट्स जो है 23 पोएम्स का ग्रुप है, मतलब 23 पोएम्स हैं जिसमें 19 वर्ड्सवर्थ ने कंपोज की थी और 4 पोएम्स कॉलरिज ने। मतलब लिरिकल बैलेट्स में सभी 23 पोएम थी, इसमें 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज की थी और 4 पोएम्स कॉलरिज ने कंपोज की थी। और एडिशन देखा जाए तो फर्स्ट एडिशन जब इसका आया था वो पब्लिश हुआ था 1798 में, जो सेकेंड एडिशन आया था वो पब्लिश हुआ था 1800 में, और जो थर्ड एडिशन आया था वो पब्लिश हुआ था 1802 1802 में। ये थे, एक और आया था लास्ट एडिशन, वो आया था 1805 में, बस ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये था थोड़ा इस पोएम के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर कंपोज बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। एजुकेशन ऑफ नेचर पोएम शुरू करने से पहले थोड़ी मैं कहानी बता देता हूँ आपको, ताकि पोएम को समझने में थोड़ी आसानी हो। इसमें होता क्या है, एक लड़की होती है लूसी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक अपने माइंड में एक इमेजिनेशन रख कर ली है कि कोई माना कोई लड़की है लूसी। तो वो ये कहते हैं कोई लड़की लूसी जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल है। मतलब वो यहाँ तक ही कह देते हैं कि आज तक इतनी सुंदर लड़की ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया है। वो ये कंपेयर करते हुए कहते हैं कि इतना सुंदर फूल आज तक पृथ्वी पर नहीं खिला है। फिर होता क्या है, जो नेचर है प्रकृति, प्रकृति ये डिसाइड करती है कि वह लूसी के साथ इस नेचर, मतलब लूसी उसके साथ रहेगी और वह लूसी के लिए हर प्रकार की शिक्षा देगी और वे दोनों साथ साथ रहेंगे। बट सडनली लूसी डाइड। लेकिन होता क्या है, अचानक लूसी की मृत्यु हो जाती है, तो कवि और प्रकृति उसकी यादों में खो जाते हैं और उन्हें बड़ा दुख होता है। तो ये थोड़ी सी कहानी मैंने शॉर्ट में बता दी। स्टार्ट करते हैं पोएम, थ्री इयर्स सीग्रू इन सन एंड सोवर। थ्री इयर्स तीन वर्ष तक सीग्रू, सी मीन्स लूसी, लूसी ने वृद्धि की या लूसी बड़ी है वृद्धि की,
इन सन होता है सूर्य एंड सोवर होता है हल्की हल्की बारिश या कह सकते हैं प्रकृति का वातावरण। 3 वर्ष तक लूसी ने प्रकृति के वातावरण में वृद्धि की। देन नेचर सैड अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ बाज नेवर सोन। देन तब नेचर प्रकृति ने सैड कहा, तब प्रकृति ने कहा अ लवलियर फ्लावर एक सुंदर फूल ऑन अर्थ पृथ्वी पर बाज नेवर कभी नहीं सोन बोया गया। इतना सुंदर फूल पृथ्वी पर कभी नहीं बोया गया मीन्स पोइट ये कहना चाहते हैं कि इतनी सुंदर लड़की ने आज तक पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया है। एक तरह से देखा जाए तो ये हाइपरबॉल एक फिगर ऑफ स्पीच है, अतिशयोक्ति, मतलब बात के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा चलाकर कहा गया है। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, सी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन। दिस चाइल्ड इस बच्ची के लिए आई मैं टू माई सेल्फ स्वयं विल टेक ग्रहण करूंगी, इस बच्ची को मैं स्वयं ग्रहण करूंगी मतलब अपना लूंगी। सी वह शैल बी माइन मेरी होगी एंड और आई विल मेक मैं बनाऊंगी अ लेडी एक महिला ऑफ माई ओन अपने स्वयं की तरह। वह मेरी होगी मतलब मेरी तरह होगी और जैसे मैं हूं उसे भी एक पूर्ण महिला बना दूंगी। मतलब पोइट यह कहना चाहता है कि 3 वर्ष तक लूसी ने प्रकृति के वातावरण में वृद्धि की, तब प्रकृति ने कहा कि इतनी सुंदर लड़की ने आज तक पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया है, ये बच्ची मेरी होगी, इसे मैं अपना लूंगी और मैं अपनी तरह उसे एक कंप्लीट महिला बना दूंगी। सेकेंड स्टेंजा, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ ला एंड इम्पल्स एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन इन अर्थ एंड हेवन इन ग्लेड एंड बोअर सेल फील एंड ओवरसिंग पावर टू कैंडल और रिस्ट्रेन। माई सेल्फ मेरे लिए बिल टू माई मेरी, यहाँ पर ये नेचर का कहना है कि माई सेल्फ मेरे लिए बिल टू माई मेरी डार्लिंग प्रिय भी होना। प्रकृति कहती है कि मेरे लिए लूसी बहुत प्रिय होगी। बोथ दोनों में ला एंड इम्पल्स, ला मीन्स कानून एंड इम्पल्स मीन्स आवेग, मतलब कानून और आवेग या कह सकते हैं भावनाएं, कानून या नियम और भावनाओं में वह मेरे लिए बहुत प्रिय होगी। एंड विद मी और मेरे साथ द गर्ल वह लड़की इन रॉक चट्टान पर एंड प्लेन समतल मैदान में इन अर्थ पृथ्वी पर एंड हिवन स्वर्ग में इन ग्लेड खुले मैदान में एंड बोर कुंज मैदान मीन्स छायादार मैदान में सेल फील अनुभव करेगी एंड एक ओवरसीइंग पावर अत्यधिक शक्ति का टू कैंडल प्रेरणा प्राप्त करेगी और रेस्ट्रेन मीन्स संयम प्राप्त करेगी। प्रकृति कहती है कि लूसी मेरे लिए बहुत प्रिय होगी और मेरे लिए नियम कानून भावनाएं या भावनाओं सभी में वह मेरे लिए बहुत प्रिय होगी और वह मेरे साथ चट्टान पर समतल मैदान में पृथ्वी पर स्वर्ग में खुले मैदान में कुंज मैदान में घूमेगी मीन्स उसकी मर्जी होगी, वो चाहे तो चट्टानों पर घूमे, वो चाहे तो समतल मैदान पर घूमे, लूसी चाहे तो पृथ्वी पर घूमे स्वर्ग में या आकाश में घूमे खुले मैदान में या कुंज मैदान में, लूसी जहां चाहे वहां घूम सकती है और वह प्रेरणा में और संयम में अत्यधिक शक्ति का अनुभव करेगी। नेक्स्ट स्टेंजा, सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फान दैट बिल्ड विद गिली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स एंड हर्स शैल बी द ब्रीथिंग बाल एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स। सी यहां पर सी लूसी के लिए है, सी शैल बी वह होगी स्पोर्टिव मीन्स उछल कूद करने वाली एज द फान, फान मीन्स हिरन का बच्चा, लूसी हिरन के बच्चे की तरह उछलेगी कूदेगी। दैट जो बिल्ड जंगल विद गिली प्रसन्नता से अक्रॉस पार करेगी द लानता चारागाह, वह जंगल से लेकर चारागाह तक बड़ी प्रसन्नता पूर्वक से पार करेगी और हिरन के बच्चे की तरह खूब उछलेगी
और या अप द माउंटेन्स, अप ऊपर द माउंटेन पर्वत पर स्प्रिंग उछलना, या वह पर्वत पर उछलेगी। एंड हर्स उसके लिए शैल भी होगा, द ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, बाल्म होता है मरहम। जब वह प्रकृति के वातावरण में सांस लेगी तो उसे वह सांस लेना भी मरहम या शांति या सांत्वना प्रदान करेगा। एंड हर्ष और उसके लिए द साइलेंस शांति, एंड द काम शांत, ऑफ म्यूट शांत, यही शांत होता है। इनसेंसेट निर्जीव थिंग्स, वस्तुएं, उसके लिए ये सब कुछ वस्तुएं शांत होंगी। मतलब प्रकृति ये कहना चाहती है कि लूसी अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहे उछलेगी कूदेगी, और वह हिरन के बच्चे की तरह कूदेगी, जंगल या चारागाह को पार करेगी, पर्वत पर उछलेगी, वह हरी घास पर, पहाड़ी पर, स्रोतों के साथ समीप भ्रमण करेगी। और जब वह सांस लेगी तो उसे मिठास या सुगंध महसूस होगी, और ये सुगंध उसके लिए मरहम का काम करेगी। शांति और गंभीरता जो प्रकृति के लिए जल पदार्थ से प्राप्त किए गए हैं, ये उन्हें अनुभव करेगी। सेकंड, अगली स्टंजा देखते हैं। द फ्लोटिंग क्लाउड्स ऑन देयर स्टेट शैल लैंड, टू हर फॉर हर द ब्लू बैंड शैल नॉर शैल सी फेल टू सी इवन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म ग्रेस दैट शुड मोल्ड द मैडन्स फॉर्म बाई साइलेंट सिंपथी। फ्लोटिंग मीन्स तैरते हुए, क्लाउड्स बादल, तैरते हुए बादल, सेल वो सॉरी देयर स्टेट अपना गौरव, सेल लेंड उधार देना है देना, टूअर उसके लिए। आकाश में जो उड़ते हुए तैरते हुए बादल हैं, वे लूसी के लिए गौरव उधार देंगे या गौरव देंगे, या लूसी उड़ते हुए बादलों से गौरव प्राप्त करेगी। फॉर हर उसके लिए द बिलो बेंड, बिलो मीन्स होता है एक तरह की लकड़ी होती है, लचीली लकड़ी, भी और बोल सकते हैं, वह लकड़ी जो काफी लच जाती है, झुक जाती है, बेंड होता है झुकना। नॉर सेल सी वह फेल असफल होगी टू सी देखने में, इवन यहां तक कि इन द मौसम गतियों में ऑफ द स्टॉर्म तूफान की, यहां तक कि तूफान की गतियों में भी वह इन्हें देखने में असफल नहीं होगी। मतलब वह तैरते हुए बादल से गौरव प्राप्त करेगी, भले ही कितना ही भयंकर तूफान ना आता हो, तब भी वह इस गौरव को प्राप्त करने में असफल नहीं होगी। ग्रेस सुंदरता, दैट जो सेल मोल्ड बदल देगी, द मैडन्स रूप, मैडन होता है कुंवारी लड़की, फॉर्म रूप, बाई साइलेंट सहानुभूति, साइलेंट शांत सिंपति सहानुभूति। तो इसका अर्थ देखते हैं पूरा। लूसी तैरते हुए बादलों से तूफान की गतियों में भी गौरव प्राप्त करेगी, और वह एक लचीली लड़की के सॉरी लचीली लकड़ी के समान भी झुक जाएगी, और एक ऐसी कृपा या सुंदरता जो उस कुंवारी लड़की के रूप को शांत सहानुभूति द्वारा कुंवारी लड़की के रूप में बदल देगी। नेक्स्ट स्टेंजा, द स्टार्स ऑफ मिड नाइट शैल बी डियर टू हर एंड सी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस वेयर रिवोल्यूट्स डांस देयर वेवार्ड राउंड एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड शैल पास इन टू हर फेस। द स्टार्स ऑफ मिड नाइट, आधी रात के तारे शैल बी डियर प्रिय होंगे टूअर उसके लिए, आधी रात के तारे भी उसके लिए प्रिय होंगे। मतलब आधी रात के तारों को भी लूसी बहुत पसंद करेगी, और सी वह सेल लीन झुका देगी या लगा देगी हर ईयर अपने कान के लिए इन मैनी अब बहुत से सीक्रेट गोपनीय प्लेस स्थान पर। मतलब बहुत से गोपनीय स्थानों पर वह अपने कानों को लगा देगी, मतलब वह अपने बहुत से स्थानों को सुनेगी। भेयर जहां पर रिवलीट्स छोटी छोटी नदियां या कह सकते हैं झरने डांस नाचते हैं, देयर अपने बेवार्ड चारों राउंड चक्कर लगाते हुए, जहां पर छोटे छोटे झरने चारों तरफ चक्कर लगाते हुए नाचते रहते हैं। सेल पास गुजरना इन टू हर फेस चेहरे से, ये सारी बातें उसके सामने से होंगी। मतलब लूसी आधी रात के तारों को पसंद करेगी, और वह बहुत से गोपनीय स्थानों को सुनने के लिए अपने कान लगा देगी, जहां पर झरने चारों तरफ चक्कर लगाते हुए नाचते रहते हैं, और सुंदरता कलकल करती आवाज से
उसके चेहरे के पास से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट स्टेंजा, एंड बिटाल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट सेल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, हर वर्जिन वॉजम स्वेल सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव व्हाइल सी एंड आई टूगेदर लिव। मतलब एंड और विटाल मीन्स जीवन संबंधी फीलिंग्स भावनाएं, ऑफ डिलाइट आनंद की जो जीवन संबंधी भावनाएं हैं, सेल रियर मीन्स होता है पालन पोषण करना, और एक रियर जैसे होता है जैसे मान लिया किसी फोन का कैमरा होता है रियर कैमरा फ्रंट कैमरा, तो रियर पिछला भाग भी होता है, तो यहां पे है पालन पोषण करना हर उसका फ्रॉम से टू स्टेटली गौरवशाली हाइट ऊंचाई से, गौरवशाली ऊंचाई तक जीवन संबंधी आनंद की भावनाएं उसका पालन पोषण करेंगी हर उसका। वर्जिन मीन्स कुंवारी लड़की, बॉजम होता है सोयल, बॉजम मीन्स छाती और सोयल होता है उभरी हुई सुडौल, मतलब उसका शरीर या छाती सुडौल आकार की होगी। सच थॉट्स ऐसे विचार टू लूसी के लिए आई विल गिव मैं दूंगी, प्रकृति कहती है कि ऐसे विचार ये सब विचार मैं लूसी को दूंगी। वाहल जब सी बह एंड आई और मैं टुगेदर साथ साथ लिव रहेंगे, जब बह और मैं साथ साथ रहेंगे हियर यहाँ इन दिस हैप्पी डेल, जब बह और मैं यहाँ साथ साथ प्रसन्न घाटी में रहेंगे। मतलब वो ये कहना चाहती है प्रकृति कि जीवन संबंधी जो भी आनंद की भावनाएं हैं वे लूसी का पालन पोषण एक गौरवशाली ऊंचाई तक करेंगी, और उस वह कुंवारी लड़की का जो शरीर है उसकी छाती या उसका शरीर सुडौल आकार का होगा, और प्रकृति कहती कि ऐसे ही विचार मैं लूसी को दूंगी जब लूसी और मैं साथ साथ इस प्रसन्न घाटी में रहेंगे। लास्ट स्टेंजा है, दस नेचर स्पेक द वर्क वाज डन हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन सी डाइड एंड लेफ्ट टू मी दिस हीट दिस काम एंड क्वाइट सीन द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी। दस इस प्रकार से नेचर सैड प्रकृति सॉरी स्पेक प्रकृति ने कहा द वर्क कार्य वाज डन हो गया, कार्य हो चुका है या हो गया था। हाउ सून कितनी शीघ्र ही माई लूसीस मेरी लूसी रेस दौड़ बाजरन दौड़ गई, कितनी जल्दी मेरी लूसी ने दौड़ ली। सी डाइड भय मर गई एंड लेफ्ट छोड़ गई टू मी मुझे और मुझे छोड़ गई दिस हीट होता है बंजर स्थान दिस काम इस शांति को एंड क्वाइट सीन शांत दृश्य को द मेमोरी स्मृति ऑफ व्हाट जो हैज बीन रही है एंड नेवर कभी नहीं मोर विल बी होना। मीन्स इस प्रकार प्रकृति ने कहा कि कार्य तो समाप्त हो गया है और लूसी ने बहुत जल्दी अपना जीवन जी लिया है क्योंकि वह मर गई और लूसी प्रकृति को अकेला छोड़ गई और लूसी इस बंजर स्थान को इस शांति को इस शांत दृश्य को मतलब पूरी प्रकृति के लिए अकेला छोड़ गई है और जो अपनी मेमोरी वो हमें दे गई है उस मेमोरी को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर, आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।